तो है ना बिल्कुल चटकदार ये हमारी नेनुआ के पकोड़े बन के तैयार। इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने 6 से 7 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और उसे अब मिक्सी जार में अच्छे से पीस लेंगे। आप चाहे तो इसे कूट के भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसे कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन पीस के डालने से या फिर मिक्सी में चला के डालने से इसका फ्लेवर और ही बढ़िया बन जाता है। तो ये देखिए फाइनली हमारा पीसने के बाद इस प्रकार से हुआ है। अब हम एक नेनुआ लेंगे, ये वेट में लगभग 200 ग्राम के आसपास है और नेनुआ जो हम लेंगे बिल्कुल बिना बीज वाला, बिल्कुल खिच्चा जिसे बोलते हैं, तो बिल्कुल पतले वाले हमने नेनुआ लिया है जिसके अंदर की बिल्कुल भी बीज ना हो। बीज रहने से क्या है इसके पकौड़े अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो फाइनली हमने इस प्रकार से छील के इसे इस प्रकार से इसे कट कर लिया है उसे। उसके बाद हम इसे पानी में अच्छे से धो लेंगे और इसे अच्छे सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे ताकि इसमें कोई भी नमी ना रहने पाए। तो ये देखिए कितना बढ़िया से हमने इसे अच्छे से धो लिया है। तो इसे धोने के बाद हम सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे इसे। तो अब हम इस प्रकार से इसे एक प्लेट में निकाल के इसे 3 टुकड़ों में इस प्रकार से कट लगाएंगे। तो ये देखिए आप चाहे तो शेप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से पतले पतले शेप में काटेंगे तो ये जो अच्छे से ये पक भी जाएगा, क्योंकि मोटे शेप में बनाएंगे तो ये बीच में कच्चा रह जाएगा। तो ये देखिए हमने इस प्रकार से पहले 2 भागों में इसे काटा है, उसके बाद फिर हम इसे 3 टुकड़ों में काटेंगे इस प्रकार से। ये देखिए ये हमने 1 कट लगाया इस प्रकार से। तो ये देखिए कितना पतला हमारा ये बना है। तो इस प्रकार से हम काटेंगे तो अच्छे से ये पक भी जाएगा और आपको बनाने के बाद लगेगा ही नहीं कि ये नेनुआ के पकौड़े हैं। तो इसी प्रकार से हमने देखिए इसे भी इसे कट लगाया है, तो इस प्रकार के शेप में हमने रखा है। तो सारे नेनुआ को हमने इसी प्रकार से कट कर लिया है। देखिए कितना पतला है ये और इसके अंदर बीज भी नहीं है बिल्कुल। तो बिल्कुल छोटे वाले आपको नेनुआ लेना है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे। तो उसके लिए हमने ये आधी कटोरी बेसन लिया, ये वेट में लगभग 100 ग्राम से कम ही है। तो उसके बाद हम ये अदरक और हरी मिर्च का हमने कुटा हुआ इसे डाला है इसमें, और उसके बाद फिर हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। मसाले में हमने हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा, धनिया पाउडर और कलौंजी जिसे कि मंगरेला भी बोलते हैं, ये सारे मसाले हमने बिल्कुल आधी आधी चम्मच लिया है। तो सारे को हम एक साथ डाल देंगे इसमें। और अब उसके बाद हम यहाँ पे नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। तो नमक हमने डाल दिया, उसके बाद आप पानी डाल के इसे अच्छे से इसका घोल तैयार करेंगे कुछ इस प्रकार से। आप चाहे तो हाथों के सहारे मिला सकते हैं या चम्मच से भी, इस प्रकार से मिलाने वाले से अच्छे से ये मिल जाता है। तो हमने ये पानी डाला है, पानी आप थोड़ी थोड़ी डाल के इसे अच्छे से मिलाते रहेंगे ताकि ये पता चलेगा इसका कंसिस्टेंसी जो हमें इसका गाढ़ापन जो रखना है उस हिसाब से आप पानी डाल के, तो इसे हम ज़्यादा पतला नहीं करना बैटर को। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा ये बना है। तो फाइनली हमारा ये जो है घोल तैयार हो गया है। तो ये देखिए इस प्रकार से हमें इसका थिकनेस रखना है ताकि अच्छे से नेनुआ में अच्छे से कोटिंग हो सके इसका। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। तो देखिए रेस्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से ये हमारा बनके तैयार है। तो इधर हम फ्राई पैन लेंगे, उसमें तेल को हीट करने के लिए हमने छोड़ दिया है और इस प्रकार से हम नेनुआ को कट करके जो हमने रखा था उसे इस प्रकार से बेसन में डालेंगे। तो इसी प्रकार से ये देखिए हमने इस प्रकार से इसे कोटिंग करके इस पर, उसके बाद हम इसमें डालेंगे फ्राई पैन में। तो बारी बारी से हम इसी प्रकार से आराम से इसे डालेंगे। आप चाहे तो इसे और भी ज़्यादा तेल में कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं तो उसमें और अच्छे से ये पकेगा। हमने यहाँ पे बिल्कुल कम तेल में यहाँ फ्राई पैन में ही इसे पकाया है। आप इसे बिल्कुल ज़्यादा तेल में डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। फ्राई पैन में उतना तेल हमने नहीं डाला है, कम ही तेल में हम इसे बना रहे हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया से ये धीरे धीरे पक रहा है और बिल्कुल फ्लेम को बिल्कुल तेज़ कर देंगे ताकि नेनुआ में जो इसमें पानी होता है तो अच्छे से इसका पानी सूख जाए। तो ये देखिए कितना बढ़िया से ब्राउन हो रहा है।
तो ये फाइनली हमारा, ये देखिए नेनुए के पकोड़े बन के तैयार हैं फ्रेंड्स। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया ये ब्राउन भी हुआ है और अच्छे से ये देखिए पक भी गया है ना, बिल्कुल लाजवाब रेसिपी। तो इसी तरीके से हमने सारे नेनुए के पकोड़े को निकाला है। तो ये देखिए दूसरे बैचेस को हमने भी इसे फ्राई कर किया है। तो ये वाले जो पतले पतले थे उसे हमने अलग इसे फ्राई किया है। तब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए कितना बढ़िया ये बन के तैयार हुआ हमारा नेनुआ के पकोड़े। तो अभी से इस रेसिपी को अपने घर पे एक बार ट्राई ज़रूर करें फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।